दोस्तों कोरोना की सेकेंड वेव में अगर किसी सेक्टर पे हमको दाव खेलना है तो वो सेक्टर दोस्तों फॉर श्योर यहाँ पर फार्मा सेक्टर होगा। और इसी सेक्टर से जुड़ी हुई दोस्तों आज आपके साथ मैं एक कंपनी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार कंपनी है, टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों यहाँ पर गजब का एक पैटर्न दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब थोड़े समय में वेरी शॉर्ट टर्म में कंपनी हमको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और कंपनी की प्रोडक्ट लाइन भी दोस्तों बहुत शानदार है। और इसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने भी कभी ना कभी यूज किया होगा और हर हाउस होल्ड में 90% हाउस होल्ड में दोस्तों बच्चे से लेके बड़े तक यहाँ पर दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल बताने वाला हूँ। विदाउट स्किप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताऊँ दोस्तों ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट से दोस्तों आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, इसको इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं, ORS घोल के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट एक रिनाउंड प्रोडक्ट है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया होगा और बच्चे से लेकर बड़े तक दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मैंने भी दोस्तों बचपन में किया था मुझे याद है और आज भी दोस्तों ये प्रोडक्ट हमारे घर में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर पेनिट्रेशन है इस प्रोडक्ट का। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, दूसरे प्रोडक्ट भी इसके जो हैं काफ़ी अच्छे जो है ब्रांड है, रिनाउंड ब्रांड है और काफ़ी पेनिट्रेशन है इनका। और कंपनी का नाम मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों कंपनी का नाम है FDC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, FDC लिमिटेड कंपनी का नाम है। और अगर आप देखें इसका इनके जो सेगमेंट्स हैं उनका मार्केट शेयर, ऑप्थोमोलॉजी मेडिकेशन में इसका 20% का मार्केट शेयर, मतलब जो आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर 20% का मार्केट शेयर है। एंटी इन्फेक्टिव्स में देखिए 2.4 का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में 2% का, फार्मास्यूटिकल में 0.8% का। तो ये कुछ सेगमेंट हैं और अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट शेयर कंपनी एक्वायर कर जो है करके रखती है। तो कंपनी की अगर वेबसाइट पर चलें तो आप देख सकते हैं दोस्तों तीन तरह के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, फॉर्मुलेशंस, फंक्शनल फूड्स और API। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो देखिए FDC वॉज द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ऑफर ऑप्थोमेलिक फॉर्मुलेशन यूजिंग ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी। और ये एक तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ORS और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में, 50 से ज़्यादा कंट्रीज में दोस्तों यहाँ पर कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने फॉर्मुलेशंस को। फंक्शनल फूड्स की बात करें तो देखिए, चलिए एक बार फॉर्मुलेशन में दूसरे प्रोडक्ट देखते हैं ORS के अलावा कौन से हैं। देखिए जिफी, इस प्रोडक्ट का दोस्तों नाम जरूर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉल की बात हमने कर ली, एनर्जेल, विटकोफॉल, पायरीमोन, जोकोन, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इन देयर रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स इन इंडिया। फंक्शनल फूड्स में आप देखें दोस्तों, फंक्शनल फूड्स मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी का भी पेनिट्रेशन है। फंक्शनल फूड्स काफ़ी इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो फंक्शनल फूड की बात हो गई। APIs में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अब ये लेटली इन्होंने फोकस किया है और इसकी वजह से मुझे लगता है इनके बिजनेस में अच्छी खासी एक एक्सप्लोर ये कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट होगी। हालांकि पहले से इनके APIs हैं और कुछ अंडर डेवलपमेंट भी हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं जो APIs हैं, अंडर डेवलपमेंट भी हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। इसका एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे तब दिखाऊँगा इसके बारे में। तो चलिए ये तीन इसके हो गए सेगमेंट, अब चलते हैं दोस्तों इसके एनालिसिस पे फंडामेंटल। पहले रिटर्न रेशोज की बात करें, देखिए मार्केट कैप करीब करीब 5,000 करोड़ का है और स्टॉक का PE आप देखेंगे ओनली 16 के PE पे मिल रही है दोस्तों, इंडस्ट्री का PE 23। तो मतलब अभी दोस्तों अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। ROC देखिए 20 के ऊपर है, जबरदस्त ROE 15 के ऊपर है, शानदार है। डेट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 69.4, प्लेजिंग 0 और आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी जनरेट कर रही है। तो रिटर्न रेशोज अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए सेल्स कंपनी 588 करोड़ से बढ़ता हुआ कंसिस्टेंटली आप देखेंगे दोस्तों, सेल्स जो है टॉप लाइन कंपनी की ग्रो हो रही है और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें यहाँ पर 1353, तो यहाँ पर शानदार टॉप लाइन है कंपनी की। नेट प्रॉफिट भी 86 करोड़ से बढ़ते हुए आज देखिए आप 311 करोड़ तक हो चुका है, मतलब कंसिस्टेंटली यहाँ पर कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से बढ़ के आप देखिए कॉन्स्टेंट बेसिस पे यहाँ पर दोस्तों बढ़ती हुई दिख रही है, 23% तक यहाँ पर इनके प्रॉफिट मार्जिन चले गए हैं। EPS भी देखिए 4 से बढ़ता हुआ आज आप देखेंगे तो 18 तक पहुँच गया है। मतलब कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, सब यहाँ पर शानदार है। देखिए रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और डेट देखिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। अब वो चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो है दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपी हुई। यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रमोटर्स अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में देखिए प्रमोटर्स ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाए हैं अपने खुद की कंपनी में, मतलब प्रमोटर्स को भरोसा है दोस्तों यहाँ पर अब जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने API सेगमेंट को और जो इनका फंक्शनल फूड सेगमेंट है उसमें एक्सप्लोर कर रही हैं, तो उसकी वजह से भरोसा आया प्रमोटर को अपनी कंपनी पे, इसलिए खुद ने यहाँ पर इन्होंने खुद ने कंपनी के स्टेक यहाँ पर खरीद लिए। FIS देखें यहाँ पर 6.41% है, 6.41% है FIS की होल्डिंग।
और DIS की 3.79 पब्लिक के पास है 24.45। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी का जो है फंडामेंटल और फाइनेंशियल रेशोस काफ़ी अच्छे हैं और बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, तो आप समझ सकते हैं कि फार्मा दोस्तों अगर कोरोना आया भी, सेकेंड वेव और ज़्यादा यहाँ पर फैलती भी है, तो फार्मा सेक्टर तो डेफिनेटली परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ से इंडस्ट्री वाइज भी दोस्तों कोई इशू नहीं है। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ देखना। टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी जो है एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर मतलब कंसोलिडेट करा इसने, लेकिन उसके बाद आपको पता है फिर प्रेशर में आई, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, राउंडिंग बॉटम में एक ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों एक मेजर रेजिस्टेंस का। जी हाँ दोस्तों, एक मेजर रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, जो कि है करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब कंपनी इसके ऊपर चल रही है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और आप अगर देखेंगे तो एक तरह से ये कि कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पर दोस्तों, उसमें से भी बाहर निकल रही है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से दोस्तों ऊपर निकल रही है और नीचे वॉल्यूम आप देख के दोस्तों खुद आइडिया लगा सकते हैं आप कंपनी में यहाँ से क्या सिचुएशन पॉसिबल है, क्या अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से अपसाइड 90% यहाँ से जो है अपसाइड पॉसिबल है। कुछ इश्यूज आए, पूरा मार्केट गिरा तो डेफिनेटली करेक्ट होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों ये करेक्ट ज़्यादा होगी। अभी भी आप देखें तो करीब आज के दिन में ये 3% के आसपास आपको भागती हुई दिख रही है और अब ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ से भागेगी फॉर श्योर। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो इसका ऑल टाइम हाई होगा। अगर इसने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिए तो यहाँ से 380 के तरफ हमको ये जाती हुई कंपनी दिखेगी। अगर वैल्यूएशन भी आप देखेंगे दोस्तों, सस्ते वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है, तो पी भी आप देखेंगे 16 का ही है, सिर्फ 16 के पी पे अवेलेबल है। तो समझ सकते हैं आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो दोस्तों बहुत शानदार है यहाँ से। मुझे लगता है नियर टर्म में 21% के रिटर्न हमको यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखेंगे इस स्क्रिप्ट में। और अगर आप डाउन साइड देखें तो मेरे ख्याल से दोस्तों डाउन साइड इसकी करीब करीब बहुत कम यहाँ पर है, और करंट प्राइस से अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हैं करीब करीब 5-6% का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अपसाइड 21% की है और डाउन साइड 5% की, तो आप समझ सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही शानदार है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको, वो है अपने तीनों मूविंग एवरेज, तीनों जो EMA है उनसे ऊपर चल रही है, मतलब 50 डे 100 डे 200, तीनों से यहाँ पर ऊपर कंपनी चल रही है। तो मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ है कंपनी के शेयर में, प्राइस में, प्राइस वॉल्यूम में। तो यहाँ से ये डेफिनेटली ऊपर जाती हुई हमको दिखेगी और धीरे धीरे आप देख रहे हैं दोस्तों 50 डे मूविंग एवरेज इसको, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो एकदम से आपको तेजी बनती हुई इसमें दिखेगी। तो डेफिनेटली थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन रिटर्न हमको यहाँ पर अच्छे मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन है, आपके डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।